जैन दोस्तों। श्रद्धा आफ्ताब मर्डर केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा और आफ्ताब के अफेयर करीब 18 महीने के बाद श्रद्धा के माता पिता को पता चला कि वे दोनों रिलेशनशिप में हैं। श्रद्धा ने अपनी माँ से साल 2019 में कहा था कि वे आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। श्रद्धा के पिता कहते हैं कि मैं और मेरी पत्नी को जब उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो हमने उनका विरोध किया। तो एक वर्ड आ रहा है लिव इन रिलेशनशिप, और आप उसके बारे में सोच रहे होंगे कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है, लिव इन रिलेशनशिप के फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं लिव इन रिलेशनशिप के सभी पहलुओं पर। सही कहा गया है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, फिर चाहे वह इंसान की सोच हो या कोई वस्तु, हमें समय के साथ ढलना बखूबी आता है। वही इस 21वीं सदी में हमारे देश में हर मुद्दों पर खुलकर बात होती है, चाहे वो LGBT समुदाय हो, लिव इन रिलेशनशिप हो, या महिलाओं से जुड़े मुद्दे हो। और भी कई गहरे मुद्दे हैं जो पहले के ज़माने में लोग इस पर बात करने से पहले शर्माते या हिचकिचाते थे, लेकिन आज लोग ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है एक स्वस्थ समाज के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप क्या है? लिव इन रिलेशनशिप आज के समय में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज के अधिकतर युवा अपने साथी को करीब से जानने के लिए और समझने के लिए लिव इन में रहना पसंद करते हैं। देश की आधी आबादी से ज़्यादा लोग इसे संस्कारों के खिलाफ मानते हैं। तो जब दो युवक और युवती शादी किए बिना स्वेच्छा से एक ही छत के नीचे पति पत्नी की तरह रह रहे होते हैं, उस रिश्ते को ही लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। भारतीय समाज में एक बहुत ही बड़ा विवाद का मुद्दा है। कई लोग इसके फायदे बताते हैं तो कई लोग इसके नुकसान भी बताते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर कई मूवीज भी बन चुकी है। इसमें एक पॉपुलर मूवी है लुक्का छुपी। जैसे उस मूवी में दिखाया गया था, उतना आसान नहीं होता है लिव इन रिलेशनशिप। जैसा कि आमतौर पर लोगों की सोच होती है कि लिव इन में आप पार्टनर के साथ पूरे समय रह सकते हैं, उनके सोने पर उनकी फनी फोटोज़ भी खींच सकते हैं, और आप अधिक समय तक रोमांस भी कर सकते हैं। ये सब इतना आसान नहीं है, हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। तो लिव इन के ऊपर कौन कौन सी मूवी बनी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने भी लिव इन रिलेशनशिप को भारत में लीगल दर्जा दे दिया है। तो अब हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के फ़ायदे। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ियों में धोखा व्यवसाय की आशंका कम हो जाती है। इन रिश्तों में रहते रहते आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध सकते हैं। शादी से पहले साथ में रहने से दोनों साथी एक दूसरे के रिश्तों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे आप दोनों पार्टनर एक दूसरे के बेहद करीब आ सकते हैं। दोनों को एक दूसरे की अच्छी और बुरी आदतों के बारे में जानकारी हो जाती है। अगर लिव इन के दौरान दोनों को लगता है कि उनके साथ उनका भविष्य नहीं चल सकता, तो बिना किसी झगड़े के ब्रेकअप करके एक दूसरे से अलग हुआ जा सकता है, और इनमें उन्हें किसी भी तरह की कानूनी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होती। कई बार कपल्स लिव इन में रहने का फैसला इसलिए करते हैं ताकि वे शादी करने से पहले इसका एक्सपीरियंस ले सकें। पार्टनर द्वारा लिया गया लिव इन का फैसला कई तरह से अच्छा साबित होता है। इससे दोनों को उन बातों के बारे में पता चलता है जिस पर उन्हें काम करने की ज़रूरत होती है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले अधिकतर कपल धोखा व्यवसाय जैसी चीज़ों से बेफिक्रे रहते हैं। लिव इन से ब्रेकअप करने पर भी कोई भी साथी किसी दूसरे साथी पर आरोप नहीं लगा सकता। बिना किसी बहस के बातचीत के जरिए ही इस रिश्ते को बहुत ही आसानी से खत्म किया जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान दोनों साथी पूरी तरह से निजी रूप से आज़ाद होते हैं। उन पर सामाजिक या कानूनी तौर पर कोई बंधन नहीं होता। सबसे बड़ा फ़ायदा लिव इन का ये है कि जो लोग शादी के बंधन व कमिटमेंट को हैंडल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए लिव इन एक बेहतर विकल्प है। और एक पॉइंट है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने से कोई कानूनी परेशानियों का सामना नहीं करना होता है। अगर कपल्स की आपस में नहीं बन रही है तो बिना कोर्ट के चक्कर काटे अलग हो सकते हैं, जबकि शादी में डिवोर्स लेने के लिए एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। तो अब हम आगे बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप में रहने के क्या नुकसान है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। इन रिश्तों में भी कुछ ऐसा ही है। तो आइए अब आगे हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप में रहने के क्या नुकसान होते हैं। हमारी सोसाइटी में लिव इन में रहने का ट्रेंड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन समाज में रहने वाले ऐसे कपल्स को कई बार आलोचना का सामना करना पड़ता है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब यह नहीं होता कि कपल्स अपने इस रिश्ते को शादी को अंजाम देंगे। हो सकता है कि अगर लिव इन का रिश्ता सुनहरा ना हो तो आपके मन में नए रिश्तों के लिए भी डर लगने लग सकता है। लिव इन रिलेशनशिप का यह मतलब नहीं होता कि कपल्स अपने इन रिश्ते को शादी को अंजाम देंगे। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको बीच में ही छोड़कर चला जाए। दोनों में से किसी एक साथी को अक्सर टूटे दिल का दर्द सहना पड़ता है। और लिव इन में रहने का एक सबसे बड़ा नुकसान है कि पार्टनर आपको कब छोड़ देगा, इसका डर आपको हमेशा बना रहता है। लिव इन में रहने के दौरान पैदा हुए बच्चे पर बुरा असर पड़ता है, समाज उसे स्वीकार नहीं करता। यदि कपल्स बाद में अलग होने का फैसला लेते हैं तो बच्चे की कस्टडी को लेकर कोई नियम नहीं है, माँ को ही बच्चे की देखरेख करनी होती है। और बहुत से परिवार लिव इन रिलेशनशिप में रहने के खिलाफ होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर कपल्स को अकेले में ही रहना पड़ता है। कोई भी कभी भी किसी की तरफ आकर्षित हो सकता है,
यदि लिव इन पार्टनर में से कोई एक किसी दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है तो इससे भी दूसरे पार्टनर के लिए परेशानी हो सकती है। लिव इन रिलेशनशिप में अगर रिश्ता वर्क नहीं करता तो इसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा दुख झेलना पड़ता है। उन्हें जैविक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो लिव इन रिलेशनशिप अच्छा या ख़राब, आप इनके फ़ायदे और नुकसान के बारे में जान चुके हैं, तो आप खुद यह निर्णय ले सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, लिव इन में रहने के फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो ऐसी ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।